Hello dear viewers, welcome back again. Today in this session we will try to find out the answer of this question: why do we fuse organic compounds with sodium metal in Les Ignis test? Les Ignis test के अंदर हम क्यों organic compounds को sodium metal के साथ fuse करते हैं? तो इसका answer समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि Les Ignis test होता क्या है. So Les Ignis test is nothing but it is the test which is used to detect nitrogen, sulfur and halogens like chlorine, bromine and iodine in any organic compound. किसी भी organic compound के अंदर nitrogen, sulfur और halogen को detect करने का जो test होता है वही test होता है Les Ignis test. अब सवाल उठता है कि ये test हम perform कैसे करते हैं? तो Les Ignis test को perform करने के लिए हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक एक्वस एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है. किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ. और उस एक्वस एक्सट्रैक्ट में फिर हम इन तमाम मेटल को सूटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं. अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पर कि क्यों हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सोडियम के साथ फ्यूज करवाते हैं. तो होता एक्चुअली क्या है कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर यूजुअली नॉन पोलर इन नेचर. ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं. एंड एज दीज ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर. और चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन है वो भी कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के रूप में बंधा हुआ रहता है. मींस नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन्स दे ऑल टुगेदर आर बॉन्डेड विथ कोवेलेंट बॉन्ड विथ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो दैट्स व्हाई दिस नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन्स आर ऑल्सो नॉट सॉल्युबल इन वाटर. हमें इनको सॉल्युबल करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज वी नीड टू प्रिपेयर ए Les Ignis एक्सट्रैक्ट. इस टेस्ट में हम क्या बनाते हैं? Les Ignis एक्सट्रैक्ट. और Les Ignis एक्सट्रैक्ट किस में बनता है? वाटर में. सो इफ दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर देन हाउ वी विल प्रिपेयर द Les Ignis टेस्ट? सो इन ऑर्डर टू सॉल्युबलाइज दिस नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन इन वाटर वी नीड टू फ्यूज ऑल दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर हेलोजन विथ सोडियम. तो अब सोडियम के साथ होता क्या है? तो फ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन विथ सोडियम, इसमें क्या हो रहा है? अब आप देखें कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और कार्बन है और उसको हमने सोडियम के साथ फ्यूज करवाया है, तो ये जो नाइट्रोजन जो कि कार्बन के साथ किस फॉर्म में बंधा हुआ था? कोवेलेंट बॉन्ड में. तो फ्यूज करने के बाद ये आ जाता है किस फॉर्म में? देखो नाइट्रोजन और कार्बन किस फॉर्म में आ गए? सोडियम के साल्ट फॉर्म में. और सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है? प्लस. और साइनाइड के ऊपर क्या चार्ज है? माइनस. तो इस तरीके से ये जो साल्ट बन गया ये कैसा बन गया? आयोनिक. अगेन आप देखें सल्फर के साथ अगर हम सोडियम को फ्यूज करवा दें जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है, तो सोडियम और सल्फर की रिएक्शन से बनता है अगेन एक सोडियम सल्फाइड साल्ट, और उसमें सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है और सल्फर के ऊपर टू माइनस का चार्ज. अगेन अगर किसी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं सोडियम के साथ फ्यूज कराऊं तो उसका अगेन बनता है एक सोडियम साल्ट, सोडियम हैलाइड, और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर मैं सोडियम के साथ फ्यूज करवाऊं तो उसमें जो भी नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन है ये सारे के सारे सोडियम साल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं. और दीज साल्ट आर नथिंग बट साल्ट ऑफ सोडियम विच इज जस्ट लाइक टेबल साल्ट. टेबल साल्ट क्या होता है हमारा? सोडियम क्लोराइड. एंड सोडियम क्लोराइड को आप जानते हो पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के साथ ये जितने भी साल्ट बन रहे हैं ये भी पानी में अब आसानी से घुल सकते हैं, जो कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे होने के कारण दे आर नॉट सॉल्युबल, जो कि पहले घुले हुए नहीं थे. तो इस कोवेलेंट बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सोडियम मेटल के साथ
लेसिग्ने टेस्ट में फ्यूज करवाते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, व्हाई डू वी फ्यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सोडियम मेटल इन लेसिग्ने टेस्ट। तो ये तो आंसर हुआ हमारे इस क्वेश्चन का। नाउ अब सवाल उठता है, व्हाई इज पोटेशियम नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम इन लेसिग्नेस टेस्ट। इस लेसिग्नेस टेस्ट में क्यों हमने सोडियम की जगह पोटेशियम नहीं यूज किया। और एक सवाल यहां पर और उठता है कि व्हाई इज लेसिग्नेस सॉल्यूशन इज नॉट यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। ये लेसिग्नेस टेस्ट को हम फॉस्फोरस के डिटेक्शन में क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर इसके अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।